ये देखे मेरे साथ अजान भी है, अजान भी तैयार हो गया है और अजान भी अब मेरे साथ नमाज पढ़ने जाएगा। अजान सबको ईद मुबारक बोल दो। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशान एंड वाचिंग दिलशान मुश्ताक व्लॉग। गाइस आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है, आप सबको ईद मुबारक। भी जो है वो 6:30 बजे हुए हैं तो 6:45 पे जो है वो ईद की नमाज है, तो अभी नमाज पढ़ने के लिए अभी निकलने लगे हैं। तो आशे मेरे साथ है, तो आज माशाल्लाह वो जानवर कुर्बान हो जाएगा, तो आशे बहुत ज़्यादा उदास भी है क्योंकि 10 दिन हो गए जब से जानवर आया है, तो ये बेचारा ना इसकी देखभाल में लगा रहता था, तो अभी ये थोड़ा सा उदास है। तो जी गाइस, हम जैसे ही नमाज़ पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस जानवर को की कुर्बानी करेंगे। ये देखें मेरे साथ अजान भी है, अजान भी तैयार हो गया है और अजान भी अब मेरे साथ नमाज पढ़ने जाएगा। अजान सबको ईद मुबारक बोल दो। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये देखें अर्श भी आ गया है, तो अब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्श नमाज पढ़ के आके फिर कुर्बानी करेंगे, हैं कुर्बानी करेंगे, कसाई बन जाएंगे। कसाई बन जाएंगे माशाल्लाह, हम भाई खुद कुर्बानी करते हैं हर साल, तो अभी आके ये कपड़े वगैरह चेंज हो जाने हैं, तो बस इंशाल्लाह ताला कुर्बानी की तैयारियां हो जानी है शुरू। तो अभी नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है। मेरा छोटा भाई ये वीडियो बना रहा था मैं जब ईद मिल रहा था। ईद मुबारक हैदर, एक हमारे गेस्ट आया है, इधर आ जा यार, एक मिनट रुक जाओ इधर। ईद मुबारक। फाइनली ईद पढ़ के आ गया हूँ, तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगा और जो है तो इंशाल्लाह ताला अब जो है ना कुर्बानी करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि माशाल्लाह हम खुद कुर्बानी करते हैं सारे भाई मिलके, तो अभी बस उसी की तैयारी है। मैं रूम जी गाइस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, बस माशाल्लाह उसको कुर्बान करने की तैयारी शुरू है। भाई भी दूसरे आ रहे हैं, हाँ भी आज है बड़ा ही यादगार दिन होता है ये, तो इसने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो ये देखिए दूसरा व्लॉगर भी आ गया, दास भी आ गया। तो अब देखिए कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं, तो अब बिजी होने वाले हैं, तो मोबाइल मैंने पकड़ा देना किसी बच्चे को, तो अब जैसी वीडियो बनेगी आप देख लीजिएगा। माशाल्लाह जो है मेरा जिबा कर लिया है, तो मैंने इसको
तजर्बा करते दिखाते हैं मुनासिब नहीं समझा, तो अभी मैं दो तीन घंटे बस मसरूफ़ होने लगा भाइयों के साथ। अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अभी, तो अभी शेव वगैरह भी पड़ी हुई है। तो जब से दिल आज का चांद निकला है 10 दिन हो गए हैं शेव नहीं करवाई, क्योंकि कुर्बानी थी हुई मेरे नाम की। बस फ्रेश होता हूँ और शेव वगैरह करवा के तो फ्रेश लुक में आके तो आपसे फिर बात होती है। जी गाइस, फ्रेश हो गए हैं, नहा लिया है, शेव वगैरह करवा ली है। ये देखें मेरे साथ आशर भी है और रेहान भी है और ये देखें अजान भी है। जी गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि हम माशाल्लाह खुद भाई कुर्बानी करते हैं तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है, एक बिजी डे गुजरता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 11-12 बजे तक मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए गोश्त, और उसके बाद अब हम फ्री हुए हैं तो अभी खाना शाना खाएंगे। खाना खा के तो अभी मैंने अपने रिश्तेदारों को गोश्त देने जाना है, तो वो सारे पैकेट्स बना लिए हैं। मैं अब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, ये बड़े भाई हैं मेरे, सब मैं निकलने लगा हूँ, इंतज़ार है। मेरे साथ जो आशर होता है वो गया हुआ है, तो मैं जस्ट उसका वेट कर रहा हूँ कि वो आए तो मैं बस निकलूँगा। आशर कहाँ गया था तू? ये अब आ गया जी, तो अब मैं बस निकलने लगा हूँ। फाइनली रिश्तेदारों को गोश्त देना था वो मैं दे के आ गया हूँ अब घर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।